दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं हूं नरेंद्र, मेरे चैनल टेक गुरु नाथ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नया अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने। और आज का जो लैपटॉप लेके आया हूं वो लेनोवा का लैपटॉप है। लेनोवा का लैपटॉप है, इसका मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें आप क्या क्या यूज कर सकेंगे, क्या क्या नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक में बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो शेयर जरूर करना। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। तो चलिए लैपटॉप जो है लेनोवा लैपटॉप अनबॉक्सिंग का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो लैपटॉप जिसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये लेनोवा का लैपटॉप है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मैं बता देता हूँ, इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है 2021 दिसंबर की है, 2021 दिसंबर। 60,000 इसकी जो है MRP है। 8H801LGI यानी ये इसका जो है MTM नंबर यानी मॉडल है IdeaPad 3 करके ये लैपटॉप है। i3 11 जनरेशन है। 3 GHz प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है। 8 GB रैम है। 256 GB SSD दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। फुल HD स्क्रीन है। 15.6 इंच की 3 सेल की बैटरी है। विंडोज़ 11 होम के साथ में आया हुआ है, विंडोज़ 11 होम। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है और ये लाइफ टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज़ के साथ में आता है। इसका ये रहा है अडाप्टर चार्जर, जो कि सारे लैपटॉप में लगभग इसी तरह से इसके अडाप्टर चार्जर आता है। कुछ इस तरह से यूज़र मैनुअल आता है, जो कभी अगर आपके पास में आता है तो आप उसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। बट ज़्यादातर बेसिक लैपटॉप जो नॉलेज है सबको मालूम ही है, जिसकी वजह से उसके कोई काम में नहीं आता है। और ये रहा उसका एडाप्टर, लेनोवा चार्जर का एडाप्टर है ये 65 वाट का। और दोस्तों लैपटॉप जितना भी मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए लेके आ रहा हूँ लेनोवा में, लगभग सारे आपको सेम ही लुक में, सेम ही कलर में दिख रहे होंगे, क्योंकि लेनोवा का ज़्यादातर जो स्लिम IdeaPad आ रहे हैं वो लगभग एक ही कलर में आ रहे हैं। कुछ i5 वगैरह होते हैं जो कि थोड़ा सा डार्क ग्रे में आता है, बट नॉर्मल ये इसी कलर में ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप आ रहे हैं। इसमें स्लिम है, ये स्लिम लैपटॉप दिया हुआ है। और इसमें अब यहाँ से भी देखिए एकदम लाइट वेट भी है। मैंने एक ही हाथ से लेफ्ट हैंड से ही पूरा उठाया है आराम से, तो ये लाइट वेट भी है। इसमें ज़्यादा ये वज़न भी नहीं है। ये 1.9 kg का लैपटॉप है, तो 1 पॉइंट यहाँ पर रबर दिया हुआ है जो कि स्टैंड होता है। ये इसलिए रहता है कि आप कोई भी टेबल वगैरह पे जो कि एकदम स्टडेड प्लेस रहे उस पर रख के आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। तो नीचे थोड़ा सा स्पेस दिया रहता है, उसकी जो वेंटिलेशन होता है, हीटिंग होती है, वो बाहर निकलती है एकदम इजीली। तो ये इसका वेट है, उसका स्लिम लुक है। फ्रंट का देखेंगे तो फ्रंट में आपको सेम वही कलर लुक मिलेगा, ब्लैक कीबोर्ड और ग्रे कलर आजू बाजू सब साइड ग्रे कलर। और 11 जनरेशन का यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है और कीबोर्ड वगैरह का लुक वगैरह भी लगभग सेम ही है। इसमें जो पावर दिया हुआ है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बैटरी कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ है। ये साइड में आपको एक USB मिलेगा और मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलेगा, एक ऑडियो जैक मिल जाता है। इसमें आपको 2 USB मिलेगा, एक HDMI, 2 USB, एक HDMI पोर्ट मिलेगा, एक ऑडियो जैक मिलेगा, एक Type-C का पोर्ट मिलेगा। आपको इतना इसमें पोर्ट मिल जाता है। तो अब ज़्यादातर अभी लैपटॉप में मैं जितने भी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ सब में लगभग Type-C के कनेक्शन आ रहे हैं। आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो तो आप Type-C के कनेक्शन देख लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी ज़्यादातर आपको जो है कनेक्शन Type-C में ही सब आने वाले हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गए, हार्ड ड्राइव के केबल वगैरह हो गए। तो इसका टच पैड काफ़ी ठीक है, कीबोर्ड भी इसका है, स्पेस दिया हुआ है, टाइपिंग में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे डिस्प्ले के वेंटिलेशन का स्पेस दिया रहता है कि जो CPU फैन से डायरेक्ट वहाँ से मिला रहता है। आप कुछ भी वर्क जैसे ज़्यादा कर रहे हो तो जो लैपटॉप हीट होता है, जो CPU फैन का स्पीड बढ़ता है, तो वहाँ से उसका जो हीटिंग होता है ईजिली बाहर निकलता है। पहले ज़्यादातर नीचे या लेफ्ट साइड में आता था तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, वो गद्दे तकिए वगैरह पर रख के यूज़ करते थे, जिसकी वजह से लैपटॉप ज़्यादा हीट होते थे। कोई कोई तो सुनने में आया था ब्लास्ट भी हो गए थे, जिसकी वजह से अभी कंपनी डिस्प्ले के नीचे देना चालू कर दी है। तो डिस्प्ले के नीचे देना बहुत ही बेस्ट है, वहाँ से आपका कोई भी, आप वहाँ पे कुछ रख नहीं सकते हो, थोड़ा तकलीफ नहीं रहता है। तो इसका ये फुल जो है सेटअप हो गया है। सेटअप का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसका मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो कि सेटअप कैसे करते हैं। तो लैपटॉप ये ओपन हो चुका है। इसमें आपको
लैपटॉप में ब्लूटूथ मिल जाता है, वाईफाई का मिल जाता है, अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का एंटीवायरस मिल रहा है जो बेसिक वर्क करता है, आपको कहीं भी यूज़ करना है नॉर्मल तो आपका वो वर्क करेगा विंडोज़ के लिए। बैटरी बैकअप आप देखेंगे तो 3 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप है। इसमें मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम मिलता है क्योंकि आप जितने ही फोल्डर ओपन करते जाएंगे उतने ही बैटरी कंज्यूम करती जाती है डिस्प्ले, जिसकी वजह से बैटरी का लाइफ थोड़ा सा आपको कम मिलता है, बैटरी ज़्यादा बैकअप आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखिए, देख i3 11th gen का प्रोसेसर है। मैंने क्लॉक स्पीड आपको बताया था 3 GHz तक है i3 11th gen, और यहाँ पे 2 कोर दिया हुआ है। प्रोसेसर जो है लैपटॉप का 2 कोर है और लॉजिकल थ्रेड जो है 8 दिया हुआ है। i3 में देखेंगे तो मैक्सिमम आपको 2 कोर ही मिलता है, और राइजन 3 में कुछ मॉडल नए आए हुए हैं जैसे 5300 हो गया, राइजन 5 हो गया 5500U, उसमें जो है राइजन 3 में 4 कोर और राइजन 5 में 6 कोर आए हुए हैं। बाकी i3 में आपको 2 कोर, i5 में आपको 4 कोर मिलते हैं। यहाँ पे रैम देखेंगे तो मेमोरी जो है 8GB दिया हुआ है, इसमें 2 स्लॉट दिया हुआ है, दोनों स्लॉट में रैम लगा हुआ है, यानी कि एक सोल्डरेड हो सकता है और एक विदाउट सोल्डरेड रहता है जिसमें आप उसको रिमूव करके 8GB और लगा सकते हो। इसमें आप 12GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, और क्योंकि अभी ज़्यादातर कंपनियां एक सोल्डरेड रैम देने लगी हैं, बहुत सी कंपनी है जो ब्रांडेड हैं वो एक साइड में 8GB देती हैं, एक साइड में जो है 8GB फ्री रखती हैं, 1 स्लॉट फ्री रखती हैं, आप उसमें अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसमें SSD जो है 256GB का SSD दिया हुआ है, NVMe का 256GB SSD है, इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड है। अगर यूज की बात करेंगे तो इसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, इंटरनेट सर्फिंग हो गया, आपका कोडिंग वगैरह नॉर्मल आप विजुअल स्टूडियो से करते हो, फोटोशॉप आपका, ऑटो कैड वगैरह है, बेसिक ज़्यादा हैवी नहीं यूज़ करना, तो ये सब सॉफ्टवेयर आप इसमें आराम से कर सकते हो। जावा वगैरह का जो वर्क हो जाता है आप इसमें उसको होम यूज़, ऑफिस यूज़, और जो कॉलेज स्टूडेंट वगैरह है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लो या तो आप टीचर हैं ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो ये सारी चीज़ें में आप इसको वर्क कर सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा। बेसिक ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है जिसमें ज़्यादातर वर्ड, एक्सेल, टैली, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह होता है। यहाँ पे फुल HD स्क्रीन आपको दिख रहा है, फुल HD स्क्रीन दिया हुआ है, और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60Hz दिया हुआ है, तो बेस्ट लेफ्ट है। फुल HD स्क्रीन आने से बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है शटर, कैमरा शटर दिख रहा है, जो कि सारे के सारे लेनोवो लैपटॉप में लगभग कैमरा शटर आते ही हैं, उसका बेनिफिट है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हो, आपको फेस नहीं दिखाना है, तो आप डायरेक्ट वहीं से भी बंद कर दीजिए। अगर आपने आपके ऐप्स में जो है सॉफ्टवेयर में कैमरा ऑफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है। तो दोस्तों इसका यूज़ वगैरह भी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये यूज़ करना है, इसमें मैंने बताया नहीं है वो चलेगा कि नहीं, तो कुछ भी क्वेरीज रहेगी आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, और आपका जो भी डाउट रहेगा वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सब मिला के लैपटॉप एकदम परफेक्ट है। इसकी जो प्राइस रेंज है, कहीं पे 39, कहीं पे 38, 40 तक भी इसका प्राइस आपको मिल सकता है, इसीलिए आप एक दो जगह कंपेयर कर लेना प्राइस क्या है और क्या कार्ड के ऑफर वगैरह हैं, इसके बाद में आप बाय करना इसको। और आपका मैंने बताया कि कुछ आपका रहेगा कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा उसका। ये लगभग 11 से 12 सेकेंड में रिस्टार्ट होकर ऑन हो गया है, जो कि SSD का परफॉर्मेंस इसी तरह से रहता है, बहुत ही बेस्ट रहता है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको यही फिर से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। मैं इसी तरह से लैपटॉप अनबॉक्सिंग की वीडियो, सॉफ्टवेयर वगैरह की, विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह सारे सारे सॉफ्टवेयर की वीडियो लेके आते रहता हूँ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में ही आएगा। तो दोस्तों जाते जाते भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इसका मैंने आपको प्राइस वगैरह सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। 256GB SSD के साथ में ये मॉडल आया हुआ है, इसमें आप SSD अपग्रेड कर सकते हो, अलग से नहीं लगा सकते, उसे रिमूव करके लगा सकते हो, हार्ड डिस्क आप अलग से यूज़ कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।